पलिया के गांव लालपुर ढाका में पहुंची यथार्थ सेवा समिति की महिलाओं ने अग्नि पीड़ितों में राशन, कपड़े व बिस्किट आदि बांटकर सहायता प्रदान की। बता दें कि ग्राम लालपुर ढाका में बीती 9 अप्रैल को अचानक लगी आग से 158 घर जलकर राख हो गए थे, जिसमें एक महिला का हाथ जल गया था। तहसील प्रशासन ने अग्नि पीड़ितों को धूप से बचने के लिए तिरपाल बांटे थे, लेकिन वे नाकाफी रहे। तहसील प्रशासन ने अग्नि पीड़ितों को अभी तक आर्थिक सहायता नहीं दी है। रविवार को यथार्थ सेवा समिति के महिलाएं अपनी अध्यक्ष बिना गुप्ता की अगुवाई में अग्नि पीड़ितों के पास पहुंची और उनमें खाद्य सामग्री, कपड़े, बिस्किट आदि का वितरण किया। बीना जी, आप यथार्थ सेवा समिति की अध्यक्ष हैं और आज आप अपनी समिति के सदस्यों के साथ अग्नि पीड़ित गांव लालपुर ढाका में पहुँची थी, जहाँ आप लोगों ने ग्रामीणों के हालात देखे होंगे। थोड़ा सा आप बताएँ, क्या आप लोगों ने मदद की, क्या कैसा आपको लगा? हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर लालपुर ढाका में इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी। हम लोग वहाँ पर, हम लोगों ने चारों तरफ देखा, काफ़ी लोग पीड़ित हैं और बड़ा दुख भी हुआ कि इस तरह से उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यथार्थ सेवा समिति की, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ कि ये लोग, इन लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ। हमारी समिति ने थोड़ी हेल्प करी है, जो हम लोगों से संभव हो सकता था वो हम लोगों ने हेल्प करी और आगे भी हमारी समिति इस तरह से अगर किसी भी जगह पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी समिति के सारी सदस्य हर वक्त तैयार रहते हैं। और शायद इन लोगों का भी बड़ा योगदान है हमारी समिति के सदस्यों का, और जो हम ये सब कार्य कर पाए और ऐसे ही हमारी समिति आगे भी कार्य करती रहे।